दोस्तों आज हमारे पास में है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125, जिसका हम आज आपको रिव्यू करेंगे। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी इस बाइक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, और चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं आज बजाज की तरफ से आने वाली है पल्सर 125। सबसे पहले यदि अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर जो ये लैंप्स आते हैं, ये एलईडी के अंदर लगे आते हैं। हमको हेलोजन लैंप्स देखने को मिलेंगे दोनों तरफ। जो ये टेल लाइट्स हैं, ये भी अपने को हेलोजन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो कि ग्राफिक्स की जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी इस बाइक के अंदर। यदि हम इंडिकेटर की बात करें तो वही जो पिछले मॉडल में जो इंडिकेटर थे वो कंटिन्यू किए गए हैं इसी मॉडल में। यदि अब इसके हम सस्पेंशन की बात करें तो ये अपने पास में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन्स दिए जाते हैं इस बाइक के अंदर विद इंडिकेटर के साथ में। इसके अंदर इंडिकेटर भी अपन को यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो अपने पास डिस्क मिलते हैं, ये हमारे पास में जो फ्रंट टायर है इसके अंदर डिस्क मिलते हैं। बाकी के पीछे के जो टायर हैं उनमें अपन को ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। ये जो अपने फ्रंट का जो डिस्क है, इसकी जो साइज़ है वो अपने को 240 mm के अंदर ये डिस्क देखने को मिलेंगे। और ये तो दोस्तों यदि अपन टायर की बात करें तो इसके जो टायर हैं वो 80/117 के जो टायर हैं, ट्यूबलेस टायर्स इसके अंदर दिए गए हैं अपन को। और यदि अपन व्हील की बात करें तो ये 431.8 mm के जो ये अपने व्हील हैं एलॉय के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि ये जो रेड ग्राफिक्स दिए गए हैं टायर के अंदर, इनसे टायर बहुत ही शानदार लगता है। और ये एक रेसिंग टायर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, उस टाइप में ग्राफिक्स अपन को दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपन के पास जो टंकी दी गई हुई है, ये 11 लीटर की दी जाती है इसके अंदर। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसके अंदर की पल्सर की जो कंपनी की जो बेजिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ से जो फ्यूल कैप है वो है दिया गया है, बहुत ही शानदार लुक में अपन को दी गई है। यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दिए गए हैं बजाज के। इस सेगमेंट में जो ये सीट है वो सिंगल सीट दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में दो वेरिएंट और आते हैं जो कि थोड़े इससे ऊपर लेवल के हैं। इंजन की अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को 125 cc का इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अपन को इंजन है वो यहाँ पर 125 cc बजाज की लॉकिंग जो बेजिंग के साथ अपन को देखने को मिलता है। इसके साथ में ये जो मैक्सिमम पावर है ये 11.8 PS के साथ 8500 RPM का जो पावर है वो जनरेट करता है ये इंजन, आप देख सकते हैं। और इसके यदि टॉर्क की बात करें तो 10.8 Nm जो कि 6500 RPM का जो टॉर्क है वो ये प्रोड्यूस करता है। ये सिंगल सिलेंडर है, 4-stroke ट्विन स्पार्क BS6 कॉम्प्लेंट DTS i इंजन के साथ में ये आता है। गियर की अपन बात करें तो पहला गियर इसमें आगे डलता है, बाकी 4 गियर पीछे डलते हैं। ये 5 गियर्स के साथ में ये बाइक आती है, ठीक है। यदि अपन पीछे की बात करें तो इसके अंदर जो तो दोस्तों पीछे की अपन बात करें तो अपन को यहाँ पर 190/117 का ये ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। और यहीं पर भी अपन को ये बेजिंग देखने को मिलती है रेसिंग की, ठीक है। यदि अपन व्हील की बात करें तो ये फ्रंट और व्हील दोनों सेम है, ट्यूबलेस टायर के साथ में एलॉय के साथ में टायर आता है। इसकी यदि ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर अपन को ड्रम्स ब्रेक देखने को मिलेंगे, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 125 cc का जो है वो यहाँ पर अपन को देखने बेजिंग देखने को मिलेगी पल्सर 125 के। यहाँ पर जो टेल लाइट्स है वो दिए गए हैं, ठीक है। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर ये लाइट दी जाती है नंबर प्लेट के लिए। इसके बाद में यहाँ पर इसमें फ्लेक्सिबल जो इंडिकेटर है वो दिए गए हैं कंपनी ने, बाकी ज़्यादा चेंजमेंट कंपनी ने इसमें किया नहीं है। ये सारे फीचर्स हैं जो इस बाइक के अंदर आते हैं। आगे का जो डिस्क ब्रेक है, पीछे में इसके ड्रम ब्रेक्स अपन को देखने को मिलते हैं। ये सारे फीचर्स जो इस बाइक के अंदर आते हैं। न्यूटन मीटर दिया जाता है, यहाँ पर इंजन ऑन और ऑफ का जो बटन है वो अपने पास में देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्लिप स्टार्ट का बटन दिया गया है, इसके अंदर अपन को दोनों ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर किक स्टार्ट भी कंपनी ने दिया है, ये बहुत बढ़िया काम है। बहुत सी बाइकों में कई बार टेक्निकल इश्यू की वजह से स्लिप काम नहीं करता, तो यहाँ पर कंपनी ने इसमें
जो कि स्टार्ट है वो दिया गया है। ये एक प्रॉफिट हो सकता है जो कि TVS में जो बाइक्स आती हैं उनमें ये नहीं दिया जाता। ये मीटर है इसके अंदर, ये हेडलाइट के ऑन ऑफ के हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स के दिया जाता है और ये यहाँ पर हॉर्न मिलता है आपको। ये सारे फीचर्स हैं जो इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यदि परचेज़ करना चाहो तो आप एक बार इस पे जा सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरी डिटेल्स पल्सर 120 के बाइक 120cc के बारे में जानकारी थी हमारी इस बाइक बजाज पल्सर की तरफ से आने वाली बाइक के बारे में। तो अभी इसके माइलेज की बात करें तो ये सिटी के अंदर ये जो बाइक है ये 51 का माइलेज देती है जो कि कंपनी क्लेम करती है। और यदि अपन हाईवे की बात करें तो ये बाइक 57 का माइलेज देती है ऑन हाईवे जो कि कंपनी क्लेम करती है, जो कि फ्यूल कैपेसिटी 11 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ में बाइक आती है। और जिसके ऑन रोड की अगर प्राइस की बात करें तो 90,000 की हमको ऑन रोड पे पड़ती है। बाकी शोरूम की बात करें तो 20,000 में आती है। बाकी आप बाइक का पूरी डिटेल देख चुके हैं, यदि आपको पसंद आए तो आप एक बार इस बाइक को ज़रूर बाय करें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।